हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं आउटस्कर्ट्स का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ ही देखेंगे कि हम आउटस्कर्ट्स वर्ड का सेंटेंस में यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आउटस्कर्ट्स की प्रोनाउंसिएशन है OUT, आउट, SKIRTS, स्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द है बॉर्डर, सीमा, बाउंड्री, सीमा, पेरिफेरी, नगर का किनारा, एज, कोई चीज सीमा पर होना, सबर्ब, उपबस्ती। तो आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है द पार्ट्स ऑफ अ टाउन और सिटी दैट आर फर्दस्ट फ्रॉम द सेंटर, द पार्ट ऑफ अ टाउन और सिटी दैट आर फर्दस्ट फ्रॉम द सेंटर। एक टाउन या शहर का हिस्सा जो शहर के बीच से या सेंटर से बिल्कुल दूर है, उसको हम आउटस्कर्ट्स कहते हैं। तो आउटस्कर्ट्स से कुछ सेंटेंस बनाकर देखते हैं। दे लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, दे लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, वे दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते हैं। आवर्स लेटर वी रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, आवर्स लेटर वी रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ न्यूयॉर्क, घंटों बाद हम न्यूयॉर्क के बाहरी इलाके में पहुंचे। शी फाउंड अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव होटल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, शी फाउंड अ स्मॉल इनएक्सपेंसिव होटल ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, उसे शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा सस्ता होटल मिला। आर कार ब्रोक डाउन ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, Our car broke down on the outskirts of the city. हमारी कार शहर के बाहरी इलाके में खराब हो गई। तो सिंपल शब्दों में outskirts का मतलब होता है बाहरी इलाका, किसी शहर की बाहरी सीमा, उपनगर को हम outskirts कहेंगे। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप outskirts वर्ड से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Meet you next time with a new word. Until then, keep learning, read lot of books, and stay happy.